नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज सागर राणा के मर्डर केस में क्राइम ब्रांच करेगी वरुणी नगी से पूछताछ। सुशील की मदद करने का लगा है आरोप। पहलवान सागर हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस को क्राइम ब्रांच की टीम अब मामले में हेड बॉल खिलाड़ी वरुणी नगी से पूछताछ करने को तैयार है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुशील कुमार की पत्नी से भी अब पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उनकी क्या भूमिका थी इस मर्डर के अंदर। दोस्तों, काफी सारे लोगों की भूमिकाएं सामने आ रही हैं और काफी सारे लोग अब इस मर्डर के अंदर रचते जा रहे हैं। सुशील अकेले ही नहीं है इसके अंदर, काफी और सारे लोग भी हैं जो इस मर्डर केस का सहयोग करते हैं। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित आगे की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे, और आप भी जानना चाहते हैं आगे की जानकारी तो अभी के अभी चैनल को नीचे एक लाल बटन दे रखा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जानते हैं दोस्तों आगे की क्या है खबर। पहलवान सागर राणा हत्याकांड के मामले में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम अब मामले में हेड बॉल खिलाड़ी वरुणी नगी से पूछताछ करेगी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नगी पर सुशील कुमार को स्कूटर देने का आरोप है जो उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से बरामद किया गया था। इनने के छत्तीसगढ़ स्टेडियम में 23 साल के सागर राणा की हत्या हो गई थी जिसका आरोप था, जिसके बाद भी सुशील फरार था। फरारी के दौरान कुमार को स्कूटर प्रदान किया गया था। रिपब्लिक के सूत्रों के मुताबिक वरुणी नगी पर भी अपराधी की मदद करने का चर्चा लगाई जा रही है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को सागर राणा मर्डर केस में गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि छत्तीसगढ़ स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या के गवाहों को गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यही नहीं बल्कि सुशील कुमार के प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रदीप राणा ने अदालत को बताया कि उन्हें मुवक्किल से और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह केवल परिस्थितियों का शिकार है और ऐसे अपराधी नहीं है। सुशील कुमार के केवल वकील ने कहा कि उन्हें मुख्य वकील के मोबाइल फोन बरामद करने के लिए बठिंडा और DVR को पकड़ने के लिए हरियाणा ले जाया जा चुका है। यही नहीं, सुशील कुमार और उसके साथियों को चावड़ा 5 मई की दरमियान की रात को स्टेडियम में एक संपत्ति विवाद को लेकर सागर राणा और उसके दोस्तों को सोनू महल और अमित कुमार के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। 23 वर्षीय सागर राणा के बाद में दम तोड़ दिया था। 6 या 5 मई की दरमियान की रात को छत्तीसगढ़ स्टेडियम में पहलवानों के बीच झगड़ा हुआ गया था जो समूह के किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाने के बाद तेजी से बढ़ गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेडियम में वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घायल पहलवानों की सिविल लाइंस की ट्राइम टेयर ले जाना पड़ा जहां पर पहलवान पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर राणा की मौत हो गई थी। पर दोस्तों, अब सुशील कुमार इस सभी को लेकर क्या करने वाले हैं और अब अपनी सफाई में क्या पेश करने वाले हैं, ये जानना अभी अदालत में बाकी है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि ये सारे तमाम अपडेट आपको मिले तो चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में कोई भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।